दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पे। हर दिन की तरह जुड़ चुके हैं आपसे नई और बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, लॉकडाउन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। आप सभी को बता दिया जाए कि गृह मंत्री की तरफ से जो है लॉकडाउन को जो है वापिस से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन जो है भारत में लागू कर दिया गया, पूरा लॉकडाउन यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो लॉकडाउन को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही चीनी महामारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जानने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए कि फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। जी हाँ, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी, इसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए कि रसोई गैस हुई महंगी, प्रति सिलेंडर 144 रुपए की भारी भरकम वृद्धि। जी हाँ, तो गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो निकल के आ चुकी है। अगर आप भी गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने गैस सिलेंडर के प्राइस जो है यहां पर बढ़ा दिए गए, कौन कौन से राज्य में गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की स्कीम 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। जी हां, अगर आप मजदूर हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मजदूरी करने वाले भाइयों बहनों के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी सरकार के द्वारा जो है एक योजना चालू कर दी गई है, वो भी आपको इस वीडियो में यहां पर पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए, अगर आपके भी घर में आता है बिजली का बिल, जी हां ध्यान से सुनिएगा, तो 3 महीने का बिजली का बिल हो सकता है माफ, इस राज्य के लोगों को होगा फायदा। जी हां, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 3 महीने का बिजली का बिल जो है भारत सरकार के द्वारा माफ किया जा रहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में पूरी जानने को मिलेगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी SBI खाता धारक है, जी हां ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भी SBI खाता धारक है तो SBI खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। जी हां, ATM के बदले नियम, जान ले वरना होगी दिक्कत। जी हां, अगर आप भी ATM यूज करते हैं तो इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है SBI ग्राहकों के लिए यहां पर जारी कर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए कि बच्चों का भी खुल सकता है जनधन बैंक अकाउंट। जी हां, अगर आपके भी घर में बच्चे हैं और आप उनका जनधन खाता खुलवाने जाते हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको जो है जनधन खाता खुलवाना है, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए कि सोने और चांदी के दामों में आई रिकॉर्ड तोड़ तेजी। जी हां, पहली बार में 50,000 रुपए के पार पहुंचे सोने और चांदी के दाम। जी हां, अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए खबरों का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर में बता दें कि देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। जी हां, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 700 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। आपको बता दिया कि देश में कोरोना महामारी थमने का नाम ही नहीं ले रही। वही कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 48,000 से ज्यादा नए मामले निकल के सामने आ चुके हैं, जिसमें संक्रमणों की आंकड़ा बढ़कर 13 लाख को पार हो चुका है। वहीं आपको बता दिया कि इस दौरान कोरोना संक्रमण से 32,000 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 8,49,000 को पार हो चुकी है, जबकि देश में अभी भी कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले अवेलेबल है। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बता जाए कि फिर लगेगा लॉकडाउन। जी हां, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दिया है कि देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, कई राज्यों में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड मामले हैं। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को कोरोना वायरस की स्थिति पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। दरअसल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ एक आभासी बैठक होगी। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस बैठक में शामिल होंगे। वही मुख्य सचिव के साथ मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दिया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 7वीं बैठक होगी। इस बैठक में अनलॉक 2 रणनीति के अगले चरण पर चर्चा होने की संभावना, जबकि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 नई उच्च प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले 16 और 17 जून को पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया जाए कि रसोई गैस हुई महंगी। जी हां, प्रति सिलेंडर 144 रुपए की भारी भरकम वृद्धि। आपको बता दिया जाए कि रसोई गैस की कीमतों में बुधवार को 144 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम वृद्धि कर दी गई। वहीं सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हालांकि सरकार ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया, इससे सब्सिडी वाले सिलेंडर के उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको बता दिया है कि
कंपनियों ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले 714 रुपए से बढ़ाकर 858 रुपए तक कर दी गई है। वही सरकार ने इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 153 रुपए से बढ़ाकर 291 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। वही आपको बता दूं कि सब्सिडी पर उपभोक्ताओं को एक साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 174 रुपए से बढ़ाकर 312 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया। आपको बता दिया है कि सब्सिडी के बाद एक सिलेंडर एलपीजी का भाव सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 567 रुपए तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 546 रुपए पड़ेगा। वहीं सामान्यतः हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के भाव में संशोधन किया जाता है। हालांकि इस बार इसमें 2 सप्ताह का अधिक समय लग गया। अधिकारियों ने इस बारे में कहा है कि चूंकि बड़ी वृद्धि की जानी थी इस कारण आवश्यक मंजूरियां लेने में समय लग गया। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया जाए कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की स्कीम 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। जी हाँ, अगर आप भी मजदूर हैं तो भाइयों ना आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते संकट और बिहार के कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन के फैसले के बाद अब भारत सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज के बंटवारे की स्कीम की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी। इससे पहले यह स्कीम 30 जून तक तय की गई थी। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संकट की वजह से रोजगार का संकट बना हुआ है। वहीं बिहार के कुछ शहरों फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अब हर गरीब प्रवासी मजदूर को इस संकट काल में प्रति महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की स्कीम 2 महीने और जारी रहेगी। यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब राज्य सरकार मई और जून में 8 करोड़ टारगेट प्रवासी मजदूरों में से 1/4 से कुछ ज्यादा को ही इस संकट की घड़ी में मुफ्त अनाज बांट पाई। वही खाद्य मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकारों ने मई में 2.32 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज बांटा जबकि जून में 2.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज मिला। वही यानी कुल 8 करोड़ टारगेट प्रवासी मजदूरों को 1/4 से कुछ ज्यादा गरीब प्रवासी मजदूरों को ही अब तक इसका फायदा मिल पड़ा है। दरअसल आपको बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस साल नवंबर तक मुफ्त अनाज के बंटवारे का फायदा हर गरीब तक पहुंचाने की है। रामविलास पासवान ने कहा है कि अब भी 25.87 लाख गरीब लोग है जबकि जो हकदार है लेकिन राज्य सरकार है उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल नहीं कर पा रही है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया कि 3 महीने का बिजली बिल हो सकता है माफ, इस राज्य के लोगों को होगा फायदा। जी हां, दरअसल आपको बता दिया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के बिजली ग्राहकों को अच्छी खबर मिल सकती है। वही राज्य के इलेक्ट्रिक कंज्यूमर बोर्ड ने केंद्र सरकार के 3 महीने का बिजली बिल माफ करने का प्रस्ताव किया है। दरअसल यह प्रस्ताव छोटे बिजली उपभोक्ताओं किसानों को ध्यान में रखकर किया गया। दरअसल बोर्ड ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि अगर केंद्र सरकार एक और पैकेज का ऐलान करती तो उसमें किसानों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने का भी प्रावधान किया जाएगा। काउंसिलिंग के चेयरमैन अवधेश वर्मा ने इस प्रस्ताव की कॉपी उत्तर प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर श्रीकांत को सौंप दी। इसमें छोटे बिजली उपभोक्ता और किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद बिजली बिल में देने की मांग कही गई है। वही ऐसी ही मांग बिहार में भी उठी है। वही बिहार के औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ने बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य में जितने बिजली आधारित उद्योग है उनके बिजली बिल को लॉकडाउन के समय माफ किया जाए। वही केंद्र सरकार से बैंक के ब्याज दर को लॉकडाउन की वजह से माफ करने की भी मांग की गई है। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया कि SBI खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। जी हां, ATM के बदल गए नियम। जी हां, अगर आपके पास भी ATM है तो जान ले इस खबर को। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ATM से पैसे निकालने के नियम में बदलाव कर दिया। दरअसल अगर नियम की जानकारी नहीं हो तो पैसे निकालने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बताया जाएगा कि ग्राहकों से अपील की गई है कि जब भी ATM से पैसा निकालने जाए तो इन नियमों को ध्यान में रखें वरना नकदी मशीन से नहीं निकाल सकेंगे। देश भर में बढ़ रहे ATM फ्रॉड को देखते हुए सरकारी बैंक SBI ATM से पैसे निकालने के नियम में बदलाव किया जा रहा है। अब से ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी। यानी यदि आप किसी भी यानी आप बिना OTP के पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आप रात 8 बजे के बाद SBI के किसी भी ATM से 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम निकालना चाहते हैं तो नए नियम लागू होंगे। इसके तहत आप जैसे ही ये रकम मशीन में इंटर करते हैं आपको OTP नंबर डालने को कहा जाएगा। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसी के बाद आपको रकम निकालने के लिए मोबाइल नंबर के साथ इसमें यहां पर करना पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दिया है कि बच्चे का भी खुल सकता है जनधन बैंक अकाउंट। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत गरीबों के बैंक खाते खोले जाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत किसी का भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। वहीं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के साथ ही मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबों को हर तरह की मदद देने के लिए पैसे सीधे उनके खाते में भेजने का भी था।
वही आपको बता दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को भेजे जाने वाली आर्थिक मदद सीधे उनके अकाउंट में आती है। इनमें गैस सब्सिडी, पेंशन, किसान योजना की किस्त आदि शामिल है। वही कोरोना वायरस के बीच जारी लॉकडाउन में गरीबों और प्रभावित लाभान्वित लोगों को विभिन्न तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने जनधन योजना का सहारा लिया है और इस योजना के तहत खोले गए खातों में रकम भेजी जाएगी। वही सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के अलावा इस योजना के तहत खाता खुलवाने के ढेरों फायदे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत बच्चों का भी खाता खुलवाया जा सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जनधन योजना के तहत 10 साल से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों का भी खाता इसमें खुलवाया जा सकता है। अगर आपके पास सरकार की तरफ से जारी वेरीफाइड आईडी प्रूफ है तो आप इस योजना के तहत खुलवा सकते हैं। वही बच्चों के मामले में इस योजना के तहत खातों का रखरखाव माता पिता या अभिभावक के हाथों में ही रहेगा। साथ ही आपको बता दिया जाए कि खाते से लेन देन के लिए बच्चे के नाम पर ही एटीएम कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा 18 साल का होने पर आईडी प्रूफ जमा करने के बाद बैंक अकाउंट का पूरा संचालन उस बच्चे को दे दिया जाएगा। भाई बहनों, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।